तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहित और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नो फिकर पे। दोस्तों, रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तानी खिलाड़ी का एक कैच जो है छोड़ दिया था। युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को ट्रोल होते देख उनके सपोर्ट में कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अर्शदीप की तस्वीर ही लगा दी। इसी बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी अर्शदीप के सपोर्ट में पोस्ट करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अर्शदीप सिंह को अगले मैच पर फोकस करने की सलाह दी है। दोस्तों, भारतीय गेंदबाज शमी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अर्शदीप की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है कि आने वाले मैच पर ध्यान दें और देश को गौरव करते रहें। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए लिखा, अर्शदीप आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ हैं, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। भारत पाकिस्तान मैच को दोनों देशों में काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान अगर खिलाड़ियों से कोई भूल हो जाती है तो उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया भी जाता है। कोई भी खिलाड़ी जब ऐसे मैच का हिस्सा होता है तब उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में खिलाड़ियों से मैदान में गलती हो जाना आम बात है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बार मोहम्मद शमी को भी ट्रोल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैच में खराब गेंदबाजी की वजह से मोहम्मद शमी को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। दरअसल उस मैच में भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट से मैच हरा दिया था। उस मैच में भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले सका था। उस मैच में मोहम्मद शमी जो है काफी ज्यादा महंगे साबित भी हुए थे। उन्होंने 3.5 ओवर में 11.21 की औसत से 43 रन दिए थे, जिसके बाद से उन्हें भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ा था। शमी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा था कि ये सभी ट्रोलर्स फेक अकाउंट से आते हैं, इनके अंदर रियल अकाउंट से आने का दम नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप भी अर्शदीप का सपोर्ट करिए ताकि आने वाले मैच में हम उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देख सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।